गौरव भाटिया आपके पास लेकिन एक बार फिर मैं आ रहा हूं, ये आपने कब तय किया कि कब फीडबैक लेना है? पोस्ट कोरोना सेकेंड वेव के बाद लेना है, जब चुनाव के लिए 8 महीने बचेंगे तब लेना है, कब ये फीडबैक लेना? आपने जो कहा हम बहुत पहले तैयारी शुरू कर देते हैं, आपने पहले का क्या मानक तय किया हुआ है? मैंने जी आपकी बात का उत्तर दूंगा, लेकिन दोनों प्रवक्ताओं ने जो बात कही उनकी बात का उत्तर देना अनिवार्य है। देखिए, यही फर्क है भारतीय जनता पार्टी में और चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे सपा हो। हमारे यहां से कोई नेता गया, ठीक है, हम उसकी सोच का सम्मान करते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की मध्य प्रदेश इकाई ने जितिन प्रसाद जी को कूड़ा कहा था कि कूड़ा चला गया दूसरे कूड़ेदान में, और ये भूल गए कि एक जौहरी जो होता है वो हीरे की परख रखता है, वो कूड़ेदान में भी अगर हीरा हो तो उसे उठा लेता है। यही बात समाजवादी पार्टी ने कही। मैं समाजवादी पार्टी से इतना ही कहूंगा, आपके यहाँ तो एक परिवार में एक मत नहीं होता है, आपने तो कोविड के वैक्सीन को बीजेपी का टीका बनाया, उसके बाद आपने कहा वो भारत का टीका, मुलायम सिंह यादव जी ने जाके वो टीका लगवा लिया, और आप झगड़े की बात करते हैं। आपने कहा मोहल्ला छक पर खड़े होके देखता है जब ये होता है, भूल गए हैं, मोहल्ला छोड़िए पूरे देश ने देखा, एक ही पुत्र है पूरे देश में जिसने अपने पिताजी को कुर्सी से हटा दिया था और उनकी कुर्सी हड़प ली थी। दूसरी बात कानून व्यवस्था की, मुजफ्फरनगर दंगे याद दिलाएं, आरोपियों को 5 कालिदास मार्ग बुलाया जाता था वो याद दिलाएं, जो आरोपी थे वो स्टेट प्लेन में बैठ के मुख्यमंत्री जो अखिलेश यादव जी थे पूर्व में उनसे मिलने आते थे, याद दिलाएं। इसलिए आपकी विफलताओं की वजह से आपका आंकड़ा, कांग्रेस के साथ आपने गठबंधन किया लेकिन दोनों लड़के फेल हो गए। और कांग्रेस पे मैं आता हूं, झगड़े की आप बात करते हैं, डिप्टी सीएम सचिन पायलट को राजद्रोह का मुकदमा लगा दिया जाता है, अभी वहां कलह चल रही है, पंजाब में सिद्धू जी दम किए हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के, और आप लोग कोविड को परास्त करने की बजाय मलाई खाने में व्यस्त हैं कि किसको कितनी मलाई मिलेगी। और अंत एक बात से करूंगा कि योगी आदित्यनाथ जी वो मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने जब सबसे बड़ा जीवन का जो उनका एक लॉस हुआ, उनके पिताजी की देहांत हो गया, तो भी वो प्रतिबद्ध थे, जनता की सेवा करते रहे और उन्होंने सुनिश्चित किया किस तरह से उत्तर प्रदेश में कोविड को परास्त किया जाए। और एक सिर्फ आंकड़ा दूंगा, महाराष्ट्र से दुगनी जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की, और उसके बावजूद दुखद मौतें जो हमारे भाई बहनों और नागरिकों की हुई हैं, महाराष्ट्र में 1,06,000 है, और राहुल गांधी से पूछा गया, उन्होंने कहा ड्राइविंग सीट पे मैं नहीं हूं, इसीलिए अमेठी से वो हार गए। ये लोग वो खानदान है जो केवल चोरी करता है, डकैती करता है, और जब इनसे सवाल पूछो तो ये अगर कोई युवा प्रतिभाशाली होता है तो उसको दरकिनार कर देते हैं। प्रतिभाशाली युवाओं को दरकिनार किया जा रहा है क्या, ये हम जानेंगे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।